हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत यह आध्यात्मिक आस्था है। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थापित अपने मठ को।